देश में कोरोना वायरस की बेकाबू होती रफ्तार और हर रोज आते 10,000 से ज्यादा केस और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच आज और कल का दिन काफी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि दोपहर 3 बजे से ये बातचीत शुरू होगी, जिसमें आज कुल 21 राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, बताइए क्या नई अपडेट है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अब तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना की चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं, लक्षण उनमें भी दिखाई दे रहे हैं, एडमिट वो फिलहाल है, क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से लगातार वो निगरानी कर रहे थे कोरोना दिल्ली में जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, वहां लगातार अस्पताल जाकर नए निर्देश दे रहे थे, मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय की बैठक में भी वो शामिल हुए, लेकिन रात को सांस लेने में तकलीफ हुई सचिन जैन को, ऐसे में उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, कोरोना का टेस्ट भी किया गया और अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है उनकी टेस्ट रिपोर्ट का, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ है, फीवर है, ऐसे में जो तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोरोना के हैं। दिल्ली पूरी तरीके से कोरोना ग्रस्त है और इसी को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने बैठकें बुलाई, एक तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाई, एक तरफ उन्होंने समीक्षा की खुद एल एन जे पी हॉस्पिटल जाके अस्पताल में किस तरीके की व्यवस्था है ये जाके देखा, निरीक्षण किया और साथ में आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली समेत तमाम जो राज्य हैं जहां पर कोरोना फैले हुए, करीबन 15 राज्य ऐसे होंगे जिनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे आज 3 बजे, जिसके माध्यम से जहां जहां जिन जिन राज्यों में कोरोना ज्यादा फैला हुआ है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस बात पे एक सहमति बनाई जाएगी और किस तरीके की केंद्र सरकार राज्यों को मदद करे इसको लेके ये बैठक की जाएगी। जी प्रीत किरण, देखिए ये संवाद जो है काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि 88 दिनों में छठी बार ये है जब वीसी के जरिए संवाद 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बेकाबू होता जा रहा है, नई रणनीति यहां पर बिल्कुल बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, नई रणनीति बनाई जाएगी, लॉक अनलॉक जो है लॉकडाउन के बाद जो अब पहला अनलॉक किया गया था उसके बाद दूसरे चरण में क्या कुछ खोला जाए, जिस तरीके से पहले से होम मिनिस्ट्री ने संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में और भी छूट दी जाएगी, इंटरटेनमेंट जगत को छूट मिलेगी और या कहें कि एजुकेशन सेक्टर को काफी कुछ राहत मिल जैसे वो लिए जाएंगे बच्चों के जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं जो अब तक एग्जामिनेशन नहीं दे पाए हैं, ऐसे में ये छूट किन किन राज्यों में मिलती है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई महाराष्ट्र जैसे जो राज्य है वहां पर काफी ज्यादा कोरोना जो है फैला हुआ है, काफी ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, खासतौर पर दिल्ली में 42,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, ऐसे में कैसे उस पर काबू पाए जो आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से डिस्कस करेंगे और किस तरीके की हेल्प दी जाए, जिस तरीके से तमाम राज्य प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहे हैं कि कुछ राहत दी जाएगी, कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, इसको लेके क्या कुछ मांग करते हैं मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखे थी प्रधानमंत्री मोदी से, ये कहा कि डीजल और पेट्रोल जो क्रूड ऑयल के जो दाम है इनको कम करना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से घटे हुए दाम है इसका सीधा फायदा जनता को मिलना चाहिए, ये तमाम जो मांगे हैं विपक्ष की ओर से उठ रही हैं, जो विपक्षी दलों की जहां सरकार है जिन जिन राज्यों में खासतौर पे राजस्थान की बात करें तो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कुछ मांग करते हैं ये देखने वाली बात। बिल्कुल प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये अहम वीसी के जरिए संवाद होने वाला है प्रधानमंत्री का, 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई रणनीति बनाई जाएगी, नई चर्चा होगी, अनलॉक का दूसरा दौर कब शुरू होगा और क्या क्या उसमें नई अपडेट होगी।